दोस्तों गुड टू सी यू अगेन। अब इसके पहले मैंने कंपेयर किया था क्लासिक नए वाले क्लासिक 350 को सीबी 350 और मीटियोर के साथ। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे जावा के बारे में। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे कि जावा को कंपेयर करो नए वाले क्लासिक के साथ, वो चीज़ हम करने वाले हैं आज। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इंजन, हैंडलिंग और कंफर्ट। अभी तीनों को फिर उसके बाद समझेंगे कि इन तीनों में से कौन सा बाइक बेटर परफॉर्म करते हैं इन चीज़ों में, और उसके बाद हम फाइनल वर्डिक्ट डिसाइड करेंगे। पहले शुरू करते हैं इंजन के साथ। इंजन के साथ अभी देखो मैं इन दोनों बाइक्स के पावर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मतलब नंबर्स के बारे में आपको बताऊँगा नहीं ज़्यादा कि कौन सा ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, पावर प्रोड्यूस करता है, वो सारा चीज़ है ना आपको गूगल में ईजिली मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ मैटर होता है कि आप जब बाइक चलाते हो आपको कैसा फीलिंग आता है। अब जब मैंने जावा चलाया था, जो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, दोनों का रिव्यू वीडियो है मेरे चैनल पर। जावा जिनको पसंद आता है उनको क्लासिक 350 पसंद नहीं आएगा, जिनको क्लासिक 350 पसंद आता है उनको जावा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। स्मूथनेस की बात करें क्लासिक 350 बेटर है, सिटी परफॉर्मेंस और ट्रैक्टेबिलिटी की बात करें जहाँ पे आप जिस तरह से इंजन को मैनेज कर सकते हो उसमें क्लासिक 350 थोड़ा सा बेटर है, और रिलैक्स राइडिंग के लिए क्लासिक 350 बेटर है। आप चाहिए आपको परफॉर्मेंस, ठीक है, और आपको एक फीलिंग चाहिए जहाँ पर आप बार बार गियर शिफ्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा एक आप जब ऑफिस कम्यूट करते हो या कॉलेज जाते हो तो वहाँ पर आपको एक अच्छा फीलिंग आना चाहिए आपके मोटरसाइकिल के साथ। इंजन आपको आपसे मतलब ऐसा लगता है कि आपसे बात कर रहा है, ऐसा एक फीलिंग आना चाहिए आपको बाइक में, तो जावा आपको एक बेटर ऑफर करेगा परफॉर्मेंस। अब दोनों में मेजर डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जावा जो है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन के साथ आता है, क्लासिक जो है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के साथ आता है। दोनों का डिफरेंस होता क्या है ये चीज़ भी मैंने वहाँ पे एक वीडियो में क्लियरली समझाया, वो भी देख लीजिए। अब क्या है ना, जावा को आप जितना रेव करोगे उतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पोर्टी राइडिंग करते हो या आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए आपके बाइक से, आपको दैट जॉय ऑफ राइडिंग, आपको एक फीलिंग चाहिए, तो आपको जावा बेटर ऑफर करेगा, क्योंकि आप जितना रेव करोगे बाइक को वो उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफर करते जाएगा, क्योंकि वो एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। हाई आरपीएम बहुत जल्दी रेव्स बिल्ड करता है, जब आप इंजन को थोड़ा थ्रॉटल देते हो तो आप फील कर सकते हो कि वो आपको बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है कि यार मेरे को और ज़्यादा रेव करो एंड आई वॉन्ट टू बी एट द टॉप ऑफ द रेव बैंड। तो ये फीलिंग जो आता है जावा को चलाने के बाद वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा क्लासिक में। अब क्लासिक उन लोगों के लिए जिनको ये सब नहीं करना है, उनको आराम से एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है कोई एक गियर को लेके, ठीक है, उनको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना है, वो लोग ज़्यादा थ्रॉटल भी नहीं देंगे, आप एक रिलैक्स राइडर हो, तो आपके लिए क्लासिक 350 का थोड़ा सेंस बनता है, ओके। अब इन दोनों का गियर बॉक्स की बात करूँ और हीट मैनेजमेंट की बात करूँ, इन दोनों में क्लासिक 350 थोड़ा बेटर है। जब मैं गियर यूज़ कर रहा था जावा का, ठीक ठाक लगा मुझे, बट फॉल्स न्यूट्रल्स आ रहे थे और कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि गियर बॉक्स थोड़ा सा मतलब हार्ड है, मतलब ठीक है, बट अगर आप क्लासिक से कंपेयर करोगे तो क्लासिक का थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है गियर शिफ्ट्स, आपको एक स्लिक फीलिंग आता है उसमें, तो वो चीज़ में आई थिंक क्लासिक 350 आगे है। इवन हीट मैनेजमेंट में अभी लोग बोलेंगे कि लिक्विड कूल्ड इंजन है तो हीटिंग कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि कंप्रेशन रेशियो क्या है, वॉट इज़ द टाइप ऑफ द इंजन, उससे हीट कंट्रोल होता है। ताकि तो जो कंप्रेशन रेशियो है, एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है तो ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते, इसीलिए जावा में लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी है। लिक्विड कूलिंग का इंजन होने के बाद भी आपको जो क्लासिक 350 है उसमें हीट थोड़ा सा कम फील होगा, ठीक है। इन दोनों बाइक्स में डेफिनेटली हीट मैनेजमेंट और गेयरबॉक्स क्लासिक का बेटर है, बट इन टर्म्स ऑफ पावर ऑब्वियसली जावा बेटर है। और माइलेज की बात करें यहाँ पे, जो माइलेज के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं जावा रिकमेंड नहीं करूँगा, वो उतना अच्छा माइलेज प्रोवाइड नहीं करता है। एट द सेम टाइम आपको क्लासिक ठीक ठाक माइलेज ऑफर करता है, 35-37 ऐसे माइलेज ऑफर करेगा, बट जावा का माइलेज बहुत ज़्यादा डिप हो सकता है, 32-33 और कभी कभी उससे भी नीचे जा सकता है। तो इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है तो जावा से दूर रहिए। एक बार परफॉर्मेंस का जो इंजन का के बारे में जो मैंने समझाया उसका एक चार्ट देख लेते हैं, वर्डिक्ट चार्ट, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिक 350 के बारे में हैंडलिंग में, ठीक है। क्लासिक 350 का जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छा है, पुराने वाले मॉडल से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा है,
आप अगर सिटी में चला रहे हो तो डेफिनेटली वाला वेट आपको फील होता है, बट हाईवे में पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं पहले वाले क्लासिक से कंपेयर करूँगा तो बहुत ही अच्छा है, बट मैं कंपेयर करूँगा हैंडलिंग में क्लासिक जावा के साथ तो क्लासिक का मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं है उसके साथ, क्योंकि क्लासिक में जो आपको एक हैंडल बार जो मिलता है वाइड है, आपको हैंडलिंग करने में मज़ा आता है, इट फील्स वेरी स्पोर्टी। ठीक है, आप अगर मोटरसाइकिल चलाने में आपको मज़ा आता है तो जावा के लिए एकदम सही है। आप सिटी में चलाओ या हाईवे पे चलाओ, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप हैंडलिंग या ट्विस्टी कर्वी सेक्शन में चलाते हो, बट आप हाई स्पीड पे चला रहे हो हाईवे पे और आपको नॉर्मल टर्न करना है तो आपको एक क्लासिक जो है वो अपना जो लाइन है वो और अच्छे से मेंटेन करता है। ठीक है, बट जावा बहुत ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ज़्यादा निम्बल है, तो आप सिटी में अगर ज़्यादा चलाते हो, आपको एक स्पोर्टी राइडिंग मोटरसाइकिल चाहिए, जा फॉर एग्जांपल बहुत सारे राइडर्स हैं जो R15 और MT15 लेने के बाद उनको रेट्रो मोटरसाइकिल चाहिए बट उनको हैंडलिंग भी वही ऑफर करना है, तो वो चीज़ जावा आपको ऑफर कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ में जावा थोड़ा सा बेटर है, तो जिनको हैंडलिंग में ज़्यादा जिनके लिए हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोग प्लीज़ जावा कंसिडर करें। क्लासिक आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जब आप सिटी में चलाते हो, आप उसका वेट फील कर सकते हो जब आप यू टर्न ले रहे हो या स्लो स्पीड ट्रैफिक पे चला रहे हो, उस जगह पे आपको जावा थोड़ा सा बेटर हैंडलिंग ऑफर कर सकता है इन दोनों बाइक्स में। ठीक है, एंड अभी रेव काउंटर होना चाहिए था जावा में क्योंकि उसके जो रेव्स है वो बहुत जल्दी बिल्ड करता है, और आइडलिंग का जो साउंड है ना जावा का वो मुझे बेटर लगा। शायद मुझे ये इंजन के पार्ट में बोलना चाहिए था जो मैंने मिस किया है, जो आइडलिंग साउंड है जावा का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मेरा ओपिनियन है, अभी बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे इस बात का, तो वो लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि उनको क्या लगता है। ठीक है, इवन इन द टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, अब ब्रेकिंग में मैं सोच रहा हूँ कि उसका जो वेट है जब आप ब्रेक लगाते हो क्लासिक 350 में उसका वेट आप फील कर सकते हो, तो क्लासिक 350 का ब्रेक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं ऑफर करता है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जावा का जो ब्रेक्स है वो थोड़ा सा बेटर फील होता है। ओनली क्लासिक के साथ अगर कंपेयर करोगे तो दोनों मॉडल्स के ब्रेक्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कंपनी के तरफ से होना चाहिए, बट मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं था, बट दोनों के अगर मैं कंपेयर करूँ तो जावा थोड़ा सा बेटर फ्रंट एंड फील ऑफर करता है, और रेयर का भी ब्रेक्स दोनों का ऑलमोस्ट लगभग सेम है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, बट फ्रंट एंड फील जावा को थोड़ा सा बेटर है क्योंकि उसका हैंडल बार का जो कंट्रोल आपको मिलता है वो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस एश्योर करता है। ठीक है, इन दोनों में आई थिंक ब्रेकिंग जावा का बेटर है। अब हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्लासिक 350 इज़ द किंग क्योंकि हैवी है मोटरसाइकिल और आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है, आपको ऐसा लगता है कि आप बड़ा मोटरसाइकिल चला रहे हो, पूरा दिन आप हाईवे पर क्रूज कर सकते हो, काफ़ी स्टेबल फील होता है, वो जो लाइन है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि वॉबल हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत मज़ा आएगा आपको चलाने में हाईवे में। हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड इज़ मच बेटर। अब कंफर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस सेगमेंट के मोटरसाइकिल जो होते हैं ये रिलैक्स करके चलाने वाले मोटरसाइकिल होते हैं, तो रिलैक्स करके चलाने वाले मोटरसाइकिल्स में कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जावा का सीट बहुत हार्ड है, पुराने वाले जावा का तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, मतलब उसको आप चला ही नहीं पाते, आप थोड़ी देर के बाद आपको इतना प्रॉब्लम होता था उसके सीट में। अभी जावा 2.0 में उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया है, फोम डेंसिटी थोड़ा बढ़ा दिया है, बट ओवरऑल जो अगर मैं सीट का क्वालिटी की बात करूँ या सब चीज़ों की बात करूँ तो ओवरऑल क्लासिक इज जस्ट बेटर। अभी लोग बोलेंगे कि यार उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम सीट चेंज करवा सकते हैं, कहीं अच्छे जगह पर जाके सीट का जो फोम है उसको चेंज करा सकते हैं, कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जो क्लासिक 350 का जो सीट का शेप है वो चीज़ आप जावा में नहीं बना सकते हो क्योंकि लुक ख़राब हो जाएगा, तो जो क्लासिक का जो शेप है ना सीट का राइडर सीट उसको वो जावा मैच नहीं कर सकता। कंफर्ट के मामले में रॉयल एनफील्ड बहुत ज़्यादा आगे है, इवन फॉर पिलियन और राइडर आप रिलैक्स करके चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, बट एट द सेम टाइम अगर आप जावा चलाओगे तो आपको लगेगा सीट हार्ड है, आप ज़्यादा इंक्लाइन होकर बैठते हो, फुट पैक्स थोड़े से पीछे है, तो इट्स मोर ऑफ अ स्पोर्टी राइडिंग एक्सपीरियंस, तो उसको क्लासिक के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वालिटीज़ है और बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है इन दोनों का कंपेरिजन, तो यहाँ पे बोलना बहुत मुश्किल है। पिलियन सीट की बात करें तो दोनों में पिलियन सीट के लिए क्लासिक 350 अगेन इज मोर कंफर्टेबल, इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है मुझे क्योंकि लोग जानते हैं कि क्लासिक का सीट कंफर्ट
जावा से ज़्यादा बेटर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता सकता हूँ कि क्लासिक का इज मच बेटर बोथ राइडर एंड पिलियन, ठीक है। सिटी में सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन क्लास जो जावा है उसका बहुत हार्ड सस्पेंशन है, बट जो क्लासिक 350 है उसका सस्पेंशन सॉफ्ट है, एब्जॉर्बेंट है, बहुत कंफर्टेबल है। बट ये चीज़ अगर आप हाईवे पे देखोगे वहाँ पे भी जो क्लासिक 350 का वेट है और जो सस्पेंशन जो ट्यून किया है उन्होंने वहाँ पे भी हाईवे में भी क्लासिक 350 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। तो कंफर्ट के मामले में इट्स अ कंप्लीट स्वीप फॉर क्लासिक 350, हर एंगल हर सेगमेंट में हर कैटेगरी में क्लासिक 350 बेटर प्रूव होता है। अब हम बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। अभी देखो दोनों मोटरसाइकिल्स की बात करूं तो दोनों भी अच्छा है, बट जावा खरीदने के पहले थोड़े चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है सब लोगों को, क्योंकि इतना पैसा खर्चा करने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है आगे तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। मैं बहुत सारे ओनर्स को जानता हूँ जो जावा ओन करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम से उन प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है उनको, ठीक है। इसीलिए मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा जावा लेने। मेरा एक वीडियो है वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया कि किन किन लोगों को जावा लेना चाहिए और अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ आप एक बार देख लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे जावा अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए वो परफेक्ट वीडियो। अब एक और बात ये है कि इन दोनों मोटरसाइकिल में आपको एक पीस ऑफ माइंड होने दो या रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ों में ना क्लासिक 350 इज़ मच बेटर, ठीक है। अभी जावा का सर्विस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, पहले जैसे नहीं है, क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे जो क्लासिक 350 है इज जस्ट अ मोर मैच्योर्ड प्रोडक्ट और वो सबके लिए नहीं है, जस्ट लाइक जावा सबके लिए नहीं है। अगर आप डोमिनर खरीदना चाहते हो तो आप जावा कंसिडर कर सकते हो, या अगर आप 150cc या 250cc का मोटरसाइकिल चलाए हो जहाँ पे स्पोर्टी एक्सपीरियंस आपको पसंद है तो आप जावा खरीद लो, क्लासिक मत खरीदो। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक रिलैक्स मोटर चाहिए जहाँ पे आप आराम से क्रूज करके चला सकते हो, तो क्लासिक इज़ मच बेटर और आपको एक रिलायबिलिटी मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, आप सर्विस सेंटर कहीं पर भी जाके उसको रिपेयर करा सकते हो। एक सर्विस सेंटर में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो दूसरे सर्विस सेंटर में जाके आप उसको फिक्स कर सकते हो, आप ये चीज़ जावा में नहीं कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी वहाँ पर जावा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट ओवरऑल जो मशीन है जावा 42 वो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स है। शायद अगर वो ज़्यादा सपोर्ट और सर्विस को इम्प्रूव करेंगे जो ऑब्वियसली जावा कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि आप कंसिडर कर सकते हो। बट अभी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ कंपेयर करके आई डोंट थिंक सो आपको वो लेना चाहिए। गो फॉर क्लासिक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट। अगर आपको स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए गो फॉर जिक्सर SF 250 या डोमिनार 400। बट इफ़ यू लव रेट्रो लुक्स और आपको एक स्पोर्टी राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो जावा से अच्छा बाइक आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एज ऑलवेज। टेक केयर, राइड सेफ, बाय बाय।